वो भोले बाबा जोगिया हो राम हम गायक कलाकार बिष्णु यादव चकमान सिंह कांवल भदोही की वसुंधरा से आज धरती का रोम रोम धरती का जर्रा जर्रा जिनके जाने से तड़प उठा आवाम से अंबर तक गरज गरज कर अपने आंसुओं से जिनका पग पद धोने का काम किया सिसक सिसक कर जिनको अवनी ने अलविदा कहा धरती के एकलौते ऐसे संतान जिनको धरती पुत्र कहा गया पूरी सल्तनत ने जिन्हें नेता के नाम से नवाजा आदरणीय परम पूजनीय परम वंदनीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी के निधन पर एक श्रद्धांजलि गीत भेज रहा हूँ। यह कोई गीत नहीं है, यह कोई विरह नहीं है, बल्कि अब पूरे आवाम पूरे सल्तनत की तरफ से एक श्रद्धा सुमन है। यह एक विश्व के अति मृदुल हृदय का उद्गार है। आज तक के सबसे बड़े कवि गया कवि जी की कलम इशारा करती है मास्टर भाई। हवाओं से पूछो दिशाओं से पूछो विधवाओं से पूछो मुलायम की करनी जवानों से पूछो किसानों से पूछो जिसे पुत्र कहती थी भारत की धरनी कल्पना कल्प वृक्ष से करना बिल्कुल सही मसीहा गरीबों का बनकर जो आया चांद सूरज भी जिनको नमन कर रहे हिमालय से ऊंची ऊंचाई को पाया हमारे बिरहा में एक गजल लगत हो मास्टर भाई। ये गजल के बिरहा में सबसे पहली बार लेके आओ थे का गजल हो मास्टर भाई। चांद तारे फूल सबनम चंदा चांद तारे फूल सबनम तुमसे अच्छा कौन है चांद तारे कोई ऋतु हो कोई मौसम तुमसे अच्छा कौन है चांद तारे फूल सबनम तुमसे अच्छा कौन है लेकिन आज
गरीबों के मसीहा, किसानों के साथी, छात्र नौजवानों के साथी, पिछड़े दलित के साथी, माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी के लिए दो लाइन हमारे कवि जी गया गुरु जी लिखते हैं। चांद सूरज फूल सबनम, चांद सूरज फूल सबनम, सबकी आंखें नम है, धरती रोती अंबर रोता, धरती रोती अंबर रोता, देखो रोते हम हैं। चांद सूरज फूल सबनम, सबकी आंखें नम है, आज हिंदुस्तान का कोई ऐसा सदस्य, ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनके आंखों में आंसू नहीं है। लेकिन अरे बाबू, अरे भैया, माननीय मुलायम सिंह जी यादव जी के बारे में, उनके जीवनी पर थोड़ा सा प्रकाश डालने चल रहा हूँ। लोग भली प्रकार उनके बारे में जानते हैं, कहना हो कि वो तो खुली किताब थे, कोई गहरा राज नहीं थे। अरे वो तो खुली किताब थे, कोई गहरा राज नहीं थे। बेसहारों के सर पर हमेशा हाथ था उनका, पर खुद को कहते सरताज नहीं थे। उनके बारे में सारी दुनिया जानती है यारों, क्योंकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। प्रकाश डालने का काम हमारे कवि जी की कलम कर रही है। हौसला लेकर, हौसला हौसला लेकर जीना हौसला सिखाता है, डूबा जो दरिया में मोती वही पाता है। विचारों में जिसके, विचारों में जिसके गंगा की धारा बहती है, कहानी उसी की ये दुनिया मेरी कहती है। इटावा सैफई, इटावा सैफई दुनिया में उदयमान हुआ, जहां पर मुलायम के जैसा इंसान हुआ। जन्म पाए थे, जन्म पाए थे माई मूर्ति के अचरिया में, सुघर थे बहुत सुघर सिंह की बखरिया में। समाजवाद का,
समाजवा समाजवाद का सितारा जिनके नाम हुआ, उदाहरण एक नहीं देश में तमाम हुआ। अरे बाबू ए भैया, इटावा सैफई में मेवा राम यादव जी के दुई लड़का, पहला लड़का का नाम बतावल गई सुघर सिंह यादव, जेकर धर्म पत्नी मूर्ति देवी। दूसरा लड़का का नाम बतावल गई बच्ची लाल सिंह यादव। बच्ची लाल सिंह यादव का देख लड़का का नाम प्रोफेसर राम गोपाल यादव बतावल गई, जवन वर्तमान में समाजवादी पार्टी के आप राष्ट्रीय महासचिव व प्रवक्ता हुआ। राम गोपाल यादव जी कोनो परिचय के मोहताज ना हुआ ना आप लोग जानत हुआ। राम गोपाल यादव का लड़का जेकर नाम बतावल गई अक्षय यादव, जो कि फिरोजाबाद से पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। सुघर सिंह के कई लड़का रहलन मास्टर भाई, सुघर सिंह के पांच लड़का रहलन। पहले का नाम बतावल गई अभय राम यादव जी, दूसरा लड़का रतन सिंह यादव जी, तीसरा लड़का मुलायम सिंह यादव जी, चौथा राजपाल सिंह यादव और पांचवा शिवपाल सिंह यादव जी। अरे बाबू ए भैया, अब हिस्ट्री आप लोग ध्यान से सुन लें। सुघर सिंह यादव व मूर्ति देवी का पहला लड़का अभय राम यादव जी का लड़का धर्मेंद्र यादव बतावल गए लिए भैया। प्रेजेंट टाइम में भाई कुछ दिन पहले आजमगढ़ से आप चुनाव भी दिनेश लाल निरहू के सामने लड़ले रहला, वही धर्मेंद्र यादव आप अभय राम यादव का लड़का रहलन, और सुघर सिंह यादव मूर्ति देवी के दूसरा लड़का रतन सिंह यादव जेकर लड़का रणवीर सिंह यादव, और रणवीर सिंह यादव का लड़का तेज प्रताप यादव, जवन की आप लालू यादव के दामाद भी हुआ। अरे बाबू अभी आपने तेज प्रताप यादव जी ने पढ़ाई कितना किया, आपने इंग्लैंड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी लीड्स ऑफ यूनिवर्सिटी से MSc किया है तेज प्रताप यादव जी, जो की आप लालू यादव के दामाद भी है। तीसरा लड़का आप आदरणीय परम पूजनीय परम वंदनी पिछड़े दलितों के मसीहा मजलूम मजदूरों किसानों छात्र नौजवानों के साथी मुलायम सिंह यादव जी, जिनकर जन्म बतावल गई 22/11/1939। अरे बाबू अरे भैया, मृत्यु डेट आप लोग जानते हुआ 10/10/2022। मुलायम सिंह यादव जी का पहली पत्नी जिनका नाम बतावल गई मालती देवी, उन्हीं को लड़का हम सभी के महबूब नेता हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव जी। मुलायम सिंह यादव जी का दूसरी पत्नी साधना गुप्ता जी, जेकर बेटवा प्रतीक यादव और जेकर बहु अर्पणा यादव, नाम आप लोग सुन ले हुआ जानत भी हुआ। चौथा लड़का बतावल गई राजपाल सिंह यादव। मुलायम सिंह का चौथा भाई रहलन राजपाल सिंह यादव, और सुघर सिंह मूर्ति देवी का चौथा लड़का राजपाल सिंह यादव का धर्म पत्नी जेकर नाम प्रेमलता यादव बतावल गई। परिवार की पहली महिला ऐसी हैं जिन्होंने राजनीति में कदम रखा, सबसे पहले राजनीति में आपने कदम रखा, उसके बाद शिवपाल जी की धर्म पत्नी सरला जी भी आई, और उनके बाद डिंपल यादव व अर्पणा यादव भी राजनीति में आई। अरे बाबू अरे भैया, राजपाल सिंह यादव का लड़का जेकर नाम अंशुल यादव बतावल गई, आप जिला पंचायत अध्यक्ष लगातार दूसरी बार से है। पांचवा लड़का बतावल गई शिवपाल सिंह यादव, पत्नी का नाम सरला यादव, राजनीति में मुलायम सिंह यादव जी के सबसे करीब आप रहे और सबसे ज्यादा सपोर्ट सबसे ज्यादा मेहनत आपने मुलायम सिंह यादव जी के साथ किया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का बचपन बड़ा मनचला रहे, जहाँ भी पढ़े जाए जवन भी काम करें मन से पढ़ाई लिखाई करें, अगर केहू के ऊपर स्कूल में भी अगर अत्याचार होत रहल है बाबू ए भैया ललका और करके कहते थे ये हिंदुस्तान आजाद हो चुका है किसी के साथ अन्याय में बर्दाश्त नहीं करूंगा। बचपन में ही हाल रहल शिक्षक सब देख के कहतवन कि ई लड़का तो कोनो बड़वार नेता बनी। अरे बाबू अरे भैया, धीरे धीरे बचपना बीतत हो, एक दिन बाबू के पास इनकर पिताजी श्री सुघर सिंह यादव माता जी मूर्ति देवी के पास शिक्षक कोनो गयल हन, कहतवन कि तहा लड़का पढ़े में बड़ा तेज हो। तो बाबू के मन में कुछ विचार बदलल,
विचार बदलत मुलायम सिंह यादव जी के एक दिन अपने पास से बुला के बात कहत हूँ मास्टर साहब। नई तर्ज हो मास्टर भाई, बड़ी याद आवे पिया का प्यारा काई, ए जीतू भाई रतिया तो रतिया पहाड़ दिन भाई, बढ़िया दयावे पिया का प्यार कई, रतिया त रतिया पहाड़ भी न भाई, का कई हमरा करे जदाल दरी के, का कई हमरा करे जदाल दरी के, दिलवा ले गई ले राजा बोतल में भर के, लेकिन आए बाबू ए भैया माननीय मुलायम सिंह जी के पिताजी श्री सुघर सिंह यादव जी और महतारी मूर्ति सिंह, अय बाबू ए भैया जेकरे माई बाबू का नाम है, बाबू का नाम सुघर सिंह हो, महतारी का नाम मूर्ति देवी हो, ओके तो जब भी पैदा हुई तो मुलायम न पैदा हुई, बतिया के लगवा बुला के बाबू एक बात कहत हूँ माननीय मुलायम सिंह यादव नेताजी के बात कहलन, का कहत हूँ मास्टर भाई, कुश्ती लड़ा बेटा करा पढ़ाई, एक दिन तोहार खुबा नाम हो ही जाई, कुश्ती लड़ा बेटा करा पढ़ाई, एक दिन तोहार खुबा नाम हो ही जाई, पूरा जिंदगी के होई तोहार सब सपने, पूरा जिंदगी के होई तोहार सब सपने, जो सभर दियाले बाबू बेटा के अपने, बता दे अगर गदेलन के घरे के परिवार से अगर माई बाप से अच्छा संस्कार मिलत हो, उत्साह वर्धन मिलत हो, तो लड़का विकास जरूर करी। आज माननीय मुलायम सिंह जी के पिताजी सुघर सिंह कहले बारन की ए बेटा पढ़ाई में तो ठीक हुए, तोर चर्चा सुन ले ही, तोर गुरु जी बतावत रहलन, पढ़ाई में होशियार हुए, केहू के ऊपर अत्याचार होते तो पहले आवाज उठावत हुए, तनी सा शरीरिया भी बनल हो, तनी सा रियाज पानी मार के पहलवानी ट्राई कर लेते बेटा, अरे लड़का है पहलवानी कर ले भी तो तोर नाम रोशन हो जाइए बेटा। देखा बेटा वही जो बाप के आदर्शों पे चले, बाप के बात को माने भी यार भाई। आज माननीय मुलायम सिंह जी कहते हैं कि आज से मैं पहलवानी सीखूंगा और रियाज वाज मार के तैयारी करत हूँ मास्टर भैया कहना हो। भैले उदय देखा भगिया के चनमा, भाग जा गई मुलायम सिंह जी का, लोहिया जी सुनले मुलायम के नमा, शामिल राजा नितिया में कैले अपने, शामिल राजनीतिया में कैले
जो सभर दिहले बाबू बेटा के अपने आए बाबू ए भैया रियाज मार करके माननीय मुलायम सिंह जी यादव पहलवानी बनौलन जब घरे का दूध दही चपलन राजा शरीरिया एकदम फफाए न लगल एकदम उफान मारे लगे शरीरिया किही के ऊपर अत्याचार अन्याय देखे तो तुरंत आवाज उठावे। एक बार की बात है पहलवानी के साथ साथ देखो नेताजी पहले पढ़ाई कैलन बढ़िया से स्टूडेंट रहलन आगरा विश्वविद्यालय से एमए और बीटी आपने किया। राजनीति में आने से पहले अंतर कॉलेज में आप प्रवक्ता भी रह चुके हैं। एक बार की बात है 26 जून 1960 की बात आपको बता रहा हूँ। कवि सम्मेलन चल रहा था मैनपुरी के करहल जैन इंटर कॉलेज में। उस समय के मशहूर कवि दामोदर स्वरूप विद्रोही मंच पर पहुंचते ही और अपना कविता पढ़ना चालू करते हैं। जौने कविता का शीर्षक रहल कि दिल्ली की गद्दी सावधान। उम्मन कविता में सरकार का बुराई रहल सरकार के खिलाफ का बात रहल। इस कविता को देख के एक दरोगा रहल मास्टर भाई आ करके कवि जी का माइक छीन लेने का काम करता है और बगलिया नेताजी खड़ा रहे माननीय मुलायम सिंह। जब इतना देखलन कि हमारे सामने एक कलाकार एक कवि का अपमान आओ देखलन ताऊ दरोगा जी के उठा के पटक के सिनेमा पे चढ़ बैठलन कहतन कि मेरे सामने किसी कलाकार का अपमान कभी मत करना। तब तक तमाम शिक्षक वहां पे इकट्ठा हो गए माननीय नेताजी को मुलायम सिंह को समझाने लगे। इतनी बात उस समय के सबसे प्रसिद्ध राजनेता लोहिया राम मनोहर जी ने जब सुना कि कोई मुलायम सिंह यादव नाम का लड़का है जो अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर रहा है और कौनो अन्याय दरोगा करत रहल तो उठा के पटक दहलस वहां लड़का से हमार मुलाकात करावा। आखिरकार राम मनोहर लोहिया जी से माननीय नेताजी का मुलाकात भइल। जब मुलाकात भइल तो का भइल मास्टर भाई एकदम नई दर्ज हो गाँव टोला कस्बा ही लैलू गली गली देखते तो है लोगवन में मचे खलबली गाँव टोला कस्बा ही लैलू गली गली देखते तो है लोगवन में मचे खलबली भाई लबवाल हो बंगाल आगरा कैल बा कमाल कैले बा कमाल तोहर लाल घगरा जब राम मनोहर लोहिया जी के साथ कदम से कदम मिला करके माननीय मुलायम सिंह जी चलने का काम करने लगे तब होता क्या है मास्टर भाई नमवा मुलायम के छाया गली गली मचल राजनीतिया में भारी खलबली नमवा मुलायम के छाया गली गली मचल राजनीतिया में भारी खलबली दर दुश्मन के करे जा पैदल में तजी लाए रोज नया लाए रोज नया नया भूचाल नेताजी भूचाल नेताजी
माननीय नेताजी ने जब राजनीति में कदम किया तो वहां भी उनका जलवा कायम होने लगा। करते क्या है मास्टर भाई, हो गई जेल में सहैया हो, 19 महीना मेरी हैया हो, जकरे धड़कन में चढ़े देश ये भाई, लाए आखिर नया अयोध्या देश ये भाई, सूरत दसवा के बदले हर हाल नेता जी, लाए रोज नया, हा हा लाए रोज नया नया भूचाल नेता जी, माननीय नेताजी राजनीति में एकदम सक्रिय हो गए, लोगों के दुख सुख में पहुंचना उनका हॉबी बन गया, उनका शौक बन गया। उस जमाने में उनके पास आने जाने के लिए एक साइकिल के अलावा और कुछ नहीं था। सुबह उठते 4 बजे उसी साइकिल से लोगों का हाल चाल पूछा करते थे। अगर किसी के ऊपर मुसीबत आई है तो साइकिल से ही पहुंचने का काम किया करते थे। धीरे धीरे उनको चाहने वालों की जनसंख्या बढ़ती गई, लोग उन्हें चाहने लगे। धीरे धीरे राजनीति में इतना सक्रिय हो गए कि एक कार्यकर्ता ने कहा कि आप साइकिल से हमेशा चलते हो, एक जीप उन्हें 4 व्हीलर उपहार देने का काम किया। मुलायम सिंह यादव जी साइकिलिया चला के आवत रहलन, साइकिलिया के बाद जीप कार्यकर्ता लेके आयल कहलस कि माननीय नेताजी आज से आप साइकिल पे न चलबा, आज से आप जीप पे चलबा। अरे बाबू ए भैया, परंतु यार साइकिलिया कहाँ रखी, यहाँ तो टापू हो, कतो साइकिलिया खड़े करे कर रास्ता ना हो। कार्यकर्ता कह तो कि ए नेताजी मारा हटावा यार साइकिलिया के छोड़ा मर दे। अरे आवा तो बदे जीप दे ले, जीप में बैठ के चल जाये। आए हाय सोच गए माननीय नेताजी, किसी साइकिल के दम पे आज मेरी पहचान बनी है, इस साइकिल को मैं कैसे छोड़ दूं। अरे बाबू ए भैया बोलते हैं कि अरे मेरे दोस्त, इस साइकिल से मेरी पहचान बनी है, ये मेरी महबूब है, इसे मैं नहीं छोड़ सकता। माननीय नेताजी ने कहा कि आज के बाद मेरे पार्टी का चुनाव निशान ये साइकिल ही होगी। और जब भी समाजवादी का कोई कार्यकर्ता अपने झंडे को बुलंद करेगा तो उस समय उसके हाथ में साइकिल वाला झंडा होगा। मैं रहूं ना रहूं लेकिन ये साइकिल इस धरती पे हमेशा रहेगी, इस साइकिल चुनाव निशान का नाम हमेशा रहेगा। मेरे बाबू मेरे साथियों सोचिए, साइकिल एक निर्जीव वस्तु थी मास्टर भाई, लेकिन निर्जीव वस्तु के साथ इतना वफादारी नेताजी कर गए। लेकिन माननीय नेताजी राजनीति में इतने सक्रिय हुए, इतने पॉपुलर हुए मेरे साथियों, करते क्या है माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, ताया भाई यूपी कब तक था पलट कर के छोड़े, लानिया हो फैली जनता में रोशनिया, आए बाबू ए भैया। माननीय मुलायम सिंह जी करते क्या है, 3-3 बार कैलन यूपी में शासन, पेंशन कन्याधन के लागू सुशासन, अरे रक्षा मंत्री बन के जवान काम कैले, करनी गावे सारी दुनिया हो फैली जनता में रोशनिया।
एक बार की बात याद आई, मुलायम सिंह जब अपने कॉलेज में पढ़ा करते थे उस समय उनके गुरु उदय प्रताप सिंह अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। उदय प्रताप सिंह ने एक बच्चे को नकल करते हुए पकड़ा था। वह बच्चा उनसे डर नहीं रहा है बल्कि धमका करके कहता है कि आए गुरुजी, हमके जानत हुआ हमके है, हम यह जिले को वर्तमान सीओ का बेटवा है। उदय प्रताप सिंह गुरु रहलन टीचर रहलन कहे ये बेटवा तू सीओ का लड़किया हो चाहे दरोगा का लड़किया हो, गलती तो गलती नकल मार के पास हो थुआ तो आए हम ना पास हो देवे। इतना बात जब हम लड़का के बापे के सीओ साहब के पता चलल तो फोन पे उदय प्रताप सिंह के धमकावे लगलन। अरे बाबू जब धमकावे लगलन तो यहाँ बात का खबर माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी के पता लगल। जब पता चलल तो नेताजी तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह जी से बात करके उस सीओ का ट्रांसफर करवाने का काम किए। इतना पॉपुलरिटी जनता के बीच में इतना मोहब्बत दे करके 1967 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी को पहली बार वहां के जनता ने उन्हें विधायक बनाया। इसके बाद कारवां कभी रुका नहीं मेरे साथियों। 1967 में पहली बार विधायक बने, 5 दिसंबर 1989 को पहली बार हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अरे बाबू ये भैया 1993 में दूसरी बार फिर से यूपी के मुख्यमंत्री बने। आए हाय हाय 2003 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। अरे बाबू ये भैया तीसरी बार जब मुख्यमंत्री बने उनकी धर्म पत्नी मालती देवी जो हम सभी के महबूब नेता अखिलेश यादव जी की माँ है। अरे बाबू ए भैया एक दिन बतावत थे इनकी सुना हमार सपना रहल कि तोहके एक बार मुख्यमंत्री देख ली तो देख लली हमार सपना पूरा भइल। हमार यहाँ दुनिया से जाए का टाइम आयल हो। 2003 में अचानक से मालती देवी यानी कि अखिलेश यादव जी की मम्मी जी का जाना हुआ। जाते ही पूरे परिवार में दुख का माहौल छा गया। इसलिए कहना हो मास्टर भाई अरे समीक्षा जिसकी इच्छा पर हुई, अब समीक्षा जिसकी इच्छा पर हुई, दियाले रोज मुलायम खुद से खुली परीक्षा यार परीक्षा यार परीक्षा, दिहले रोज मुलायम खुद से खुली परीक्षा, समीक्षा जिसकी इच्छा पर हुई। अरे बाबू अरे भैया लेकिन धीरे धीरे वह मनहूस घड़ी भी आई। कौन सी मनहूस घड़ी आई मास्टर भाई? हरे नहीं कबुआरी गई ले बीमारिया से, आज बिना थकत रहले अपने उमरिया से अपने उमरिया से, हरे नहीं कबुआरी गई ले बीमारिया से, काम नहीं कैला से कौनो सुई दवाइया हो, आखिर उड़ी गई लपिजड़ा छोड़ी के चिड़ैया हो,
भारत गहराई गई दुख के बदरिया से, दुख के बदरिया से हरे नहीं कबू आई गई ले बीमारिया से। हिंदुस्तान की आंखें गमगीन है, कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के दुश्मनों पर गरजने वाला आज सोया है। हिंदुस्तान का नौजवान फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से अपने दर्द को बयां कर रहा है कि हिंदुस्तान के दुश्मनों पर गरजने वाला आज सोया है। आज तो आसमान भी खूब रोया है, आखिर धरती ने अपना पुत्र जो खोया है। अरे बाबू अरे भैया, चार चांद लग जाएंगे भगवान के शान में, क्योंकि एक फरिश्ता गया है धरती से आसमान में। जमीन रोया है, आसमान रोया है, आपके गम में पूरा हिंदुस्तान रोया है। अरे बाबू अरे भैया, आखिरकार जब एकाएक खबर सबके मिलल कि हम सभी के मसीहा गरीबों मजलूमों पिछड़े दलितों किसान नौजवानों छात्र नेताओं के मसीहा, अचानक माननीय धरती पुत्र कहे जाने वाले नेताजी का अचानक निधन हुआ, शोक की लहर पूरे हिंदुस्तान में दौड़ जाती है। कहना है मास्टर भाई, अरे समाजवाद का बुझ गईले दिया नवा हिंदुस्तानवा में, अब समाजवाद का बुझ गईले दिया नवा हिंदुस्तानवा में, अब टूट के जैसे गिर गईले यसमनवा हिंदुस्तानवा में। नजरिया हो क्या अब देखाई राज नीति का डगरिया हो, अरे जनता तोहार देख करे रुदनवा हिंदुस्तानवा में, अब जनता तोहार देख करे रुदनवा हिंदुस्तानवा में, सपना सजा के हो गई ला सपनावा हिंदुस्तानवा में। मैं हिंदुस्तान के दलित पिछड़े किसान मजलूम छात्र नौजवान साथियों को बता देना चाहता हूँ, आवाज देना चाहता हूँ, आपको रोने की जरूरत नहीं है साथियों, आंसू पोंछ लो। ऐ नौजवानों, अरे खार को गुलाब बनाना है, हिंदुस्तान को महताब बनाना है, नेताजी के अनुभव को हथियार बनाकर इन्हीं आंसुओं को सैलाब बनाना है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे मसीहा मेरे नेताजी चले गए तो इन देश के गद्दारों से हमारी रक्षा कौन करेगा, कौन बचाएगा हमें? तो आपको बता देना चाहता हूँ कि आसमान के ऊंचाइयों का परिंदा है, फक्र है उसे ना शर्मिंदा है। मेरे साथियों, आपको रोने की जरूरत नहीं, क्योंकि धरती पुत्र का लाल अखिलेश यादव अभी जिंदा है। अए मजलूम अए मेरे गरीब साथी, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा बुजुर्ग नौजवान साथी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसी धरती पुत्र के अनुभव तले तपा हुआ कुंदन, इसी धरती का एक और लाल अखिलेश यादव हिंदुस्तान के दुश्मनों के सीने पर बारूद बनकर गिरने का काम करेंगे।
समाजवादी आंदोलन को अखिलेश यादव जी बरकरार रखेंगे। इसलिए कहना चाहूंगा कि पूरा सपना अब समाजवादी क्रांतिकारी करेगा। अरे पूरा सपना अब समाजवादी क्रांतिकारी करेगा, फिर से सरजमी पे मुरारी लड़ेगा। मेरे साथियों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इन गद्दारों पर तो अकेला अखिलेश यादव ही भारी पड़ेगा। अरे बाबू अरे भैया कहना चाहता हूं, जवन दिन लिखल होई जय करमौतिया भैया, भर न टाली करबा के तनौ पाए, पार्थिव शरीर आया गंव सफई में बाबू, दुखवा के नदी सबके आँखी से फफाए, दर्शन करने जुटे देश भर के लोगवा बाबू, कहिले न माना हो सुमाना वाचा है, रोवे परिवार रोवे भाई भतीजा भैया, डिंपल अर्पणा हो गईली पगला, अंतिम विदाई होई सजल बजना जा बाबू, जहर देख भीड़िया हो हरे देखा, दियाला अखिलेश अपने पिता के अगिनिया भैया, हीरा समझवा दिया गई लहरा, आपको बता देना चाहता हूं कि इसके पहले सूबे के बहुत बड़े बड़े नेताओं का भी निधन हुआ, लेकिन इतिहास गवाह है नेताजी के अंतिम यात्रा में इतनी भीड़ कभी नहीं हुई। अगर मेरी बातों का आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो जा करके गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, जानकारी ले लीजिएगा। संसार का सबसे बड़ा भीड़ नेताजी के अंतिम यात्रा में, इतनी बड़ी भीड़, इतनी काफिला, लोग कहने लगे कि इतनी भीड़ आज तक किसी के नेता के अंतिम यात्रा में नहीं हुई। मेरे साथियों, आजादी के पहले और आजादी के बाद किसी भी नेता के अंतिम यात्रा में इतनी भीड़ नहीं हुई। अगर मेरी बात गलत निकलती है तो बिरहा गाना छोड़ दूंगा उसी दिन से, लेकिन कहना हो मास्टर भाई, लेकिन कहना हो मास्टर भाई कि काम जवाना कई के गईला दुनिया सराही, लेकिन तोरी मऊतिया के घेरे बताबाही।
गणित के एक युग का अंत हुआ, लेकिन मैं हिंदुस्तान के दुश्मनों से सीना पीट करके कहना चाहता हूँ, एक धरती का लाल धरती पुत्र चला गया तो क्या हुआ। इस समाजवाद के बागडोर को संभालने के लिए उसी धरती पुत्र के तप में पल करके कुंदन बना दूसरा लाल अखिलेश यादव के रूप में तैयार है। जब जब हिंदुस्तान के दुश्मन हिंदुस्तान को रोदने का काम करेंगे, तब तब समाजवाद और अखिलेश यादव उनके नापाक इरादों को खंडन करने का काम करेंगे। गरीब मजलूम किसान पिछड़े दलित नौजवान छात्र नेता छात्र नौजवानों की लड़ाई अखिलेश यादव अपने पिताजी की तरह उनके चले हुए पग चिन्हों पर समाजवाद की बागडोर को संभालने का काम करेंगे। एक लाल तो चला गया, लेकिन दूसरा लाल हिंदुस्तान में अभी है और हिंदुस्तान के धरती को सींचने का काम करेगा मास्टर भाई। अरे सत सत नमन हो समाजवाद के पुजारी, अरे आवे वाला पीढ़ी तोहर यार अति उतारी। कोट कोट सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नेताजी को बिंद स्टूडियो के सौजन्य से राम रंग स्टूडियो मिर्जापुर की वसुंधरा पर सभी को प्रणाम माने हमारे छोटे भाई सुनील यादव जी के देखरेख में, सीए साहब समर यादव जी के देखरेख में, रामधनी यादव जोरई जी के देखरेख में, और हमारे साथ संगत कर रहे हारमोनियम पे अशोक उजाला जी, ढोलक पे राजू जी, और कोरस में शिवशंकर यादव जी, धर्मराज उर्फ डीआर जी, और हमारे प्रदीप यादव सरपताह की वसुंधरा से कैमरामैन प्रदीप यादव जी, रिकॉर्डिस्ट आज के जीतू भाई के देखरेख में आखिरी भाव। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मोर बांका, अरे स्वर्ग बसे चंद्रिका कबीर बच्चन का विजय पताका, अरे समीक्षा जिसकी इच्छा पर हुई, अब समीक्षा जिसकी इच्छा पर हुई, विष्णु गया कभी अब दसवा मांगे भिक्षा, समीक्षा